देखिए बिहार में नाबालिगों के बाइक चलाने को लेकर के सरकार ने एक बड़ा गाइडलाइन जारी किया गया है। पटना की सड़कों पे अक्सर देखा जाता है कि छोटे छोटे उम्र के बच्चे लहरिया कट बाइक मारते निकल रहे हैं, जिससे आमजनों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। उन परेशानियों से उबरने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उन फैसला में ये है कि अगर नाबालिग सड़कों पर बाइक चलाते या फिर लहरिया कट गाड़ी चलाते हुए दिखेंगे तो वो उनकी फ़ाइन की जगह उनके परिजन जो हैं वो फ़ाइन भरेंगे। नाबालिग वाहन चलाए तो उसका हर्जाना अभिभावकों को भरना होगा। परिवहन विभाग के मुताबिक नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए तो इसके लिए दोषी अभिभावक होंगे। अभिभावकों को 25,000 रुपये जुर्माना देना होगा। दरअसल परिवहन विभाग ने नाबालिग वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए इस रणनीति पर काम करना शुरू किया है। विभाग के अधिनियम में इसका प्रावधान है। इस आदेश को जिलों में भेजा जा रहा है ताकि उस पर भी अनुपालन हो सके। नाबालिग वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मामले में दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का निबंधन भी रद्द होगा। इस पूरी प्रक्रिया को करने के पीछे विभाग की मंशा है, ये है कि ऐसे वाहन चालकों पर सख्ती की जाए जा सके जो लहरिया कट मारते हैं, और ज़्यादातर लहरिया कट मारने वाले 16 से 18 साल के बीच के लड़के लड़की होते हैं। विभागों को इन्हें नवयुक्त चंचल दस्ता सिपाही को इस नाबालिग वाहन को लेकर के पकड़ने के लिए जिलों में लगाया गया है। अगले माह में इन्हें ऐसे चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में तेज़ रफ्तार से बाइक चलाने वाले बाइकर्स पर भी सख्ती की जाएगी और इन्हें पकड़ने में भी चलंत दस्ता की भूमिका अहम होगी। इसके लिए उन्हें हर स्तर पर नियमों का विशेष ट्रेनिंग दिया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों के पर किस धारा में कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर के विभाग अभी मंथन कर रहा है, साथ ही साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बता दें आपको कि नाबालिगों को बाइक चलाते पकड़ने के लिए नवयुक्त चलंत दस्ता सिपाही का जो है वो ट्रेनिंग दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में तेज़ रफ्तार से बाइक चलाने पर सख्त नज़र रखी जाएगी। 16 साल से कम उम्र के किसी भी तरह का वाहन चलाना गैरकानूनी है। अधिकारियों के अनुसार 16 से 18 साल के नाबालिगों को बिना गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति है, यानी स्कूटी या अन्य बिना गियर वाली गाड़ी, लेकिन 16 से नीचे वाले नाबालिग को किसी भी तरह का वाहन चलाना गैरकानूनी है। ऐसे करने वाले पर जुर्माना लगाने का नियम है। ऐसे नाबालिगों को पकड़ने में यातायात पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा। इस बाबत जल्द ही DTO की ओर से यातायात पुलिस को पत्र भेजा जाएगा। यानी कि अब लहरिया कट बाइक अगर आप पटना की सड़कों पर मारते हैं या बिहार के किसी भी कोने पर किसी भी शहर में अगर लहरिया कट गाड़ी चलाते हुए आप पकड़े गए तो जुर्माना आपके परिजन भरेंगे। आपको बता दें कि 16 से 18 साल के बीच के युवकों को, नाबालिगों को बिना गियर वाली गाड़ी चलाने यानी कि स्कूटी चलाने का निर्देश है। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो पटना की सड़कों पर हम देखते हैं, बिहार के अन्य जगहों पर देखते हैं कि नाबालिगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो लहरिया कट मारते हैं, जिससे कई बार आमजनों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। जिस तरीके से वो लहरिया कट मारते हुए निकलते हैं, ऐसे में अन्य लोग जो होते हैं जो सीधे तरीके से गाड़ी चला के निकलते हैं वो काफ़ी अनबैलेंस हो जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और जिसी को लेकर के कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग ने नया निर्देश बनाया है। बहरहाल आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। 16 साल से कम उम्र के लड़के या फिर 16 से 18 साल के लड़के लहरिया कट मारते सड़कों पर दिखेंगे तो चलंत दस्ता आपको तुरंत गिरफ्तार करेगी और आपके परिजनों से जुर्माना वसूलेगी। आप देखते रहिए NBC 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।